नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज आप देखने जा रहे हैं जॉन डियर 5105 4x4 और 4x2, मतलब टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव। और आज की वीडियो में मैं इन दोनों ट्रैक्टरों को जो है वो कंपेयर कर रहा हूँ, देखूंगा क्या क्या फीचर्स में अंतर है इन दोनों ट्रैक्टरों में। इन दोनों ट्रैक्टर में 1,00,000 रुपये का अंतर है कीमत के अंदर। जो फोर व्हील ड्राइव है वो 1,00,000 रुपये महंगा है इस टू व्हील ड्राइव से। तो देखते हैं फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, इन दोनों ही ट्रैक्टर में आपको मिलता है 2900 cc का 3 सिलेंडर इंजन, जो कि आपको 40 HP की पावर देता है। इंजन में इन ट्रैक्टरों में कोई भी बदलाव नहीं है, दोनों ट्रैक्टर में ही आपको ये डीजल वाटर सेपरेटर और हीट गार्ड वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। दोनों में ही आपको बोस कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप जो है वो दे रखा है। दोनों ट्रैक्टर की जो PTO पावर है वो सेम है। तो अभी आप देख रहे होंगे इन दोनों के जो है फ्रंट एक्सल में कितना डिफरेंस है। जो आपका टू व्हील ड्राइव है, इसका फ्रंट एक्सल जो है फोर व्हील ड्राइव के मुकाबले काफ़ी हल्का है, क्योंकि फोर व्हील ड्राइव जो होते हैं उनके एक्सल्स जो होते हैं कंपनी हैवी देती है। आप किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर देख लेना, चाहे महिंद्रा हो चाहे मैसी हो, कोई भी हो, फोर व्हील ड्राइव को आपको एक्सल हमेशा हैवी देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको फोर व्हील ड्राइव में मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे जो ये साफट है जो इसकी फोर व्हील ड्राइव की है। और टायर साइज़ की बात करें तो पीछे आपको दोनों ट्रैक्टर में ही जो है 13 के टायर देखने के लिए मिलेंगे। और ये जैसे कि फोर व्हील ड्राइव है तो इसके अंदर तो बड़े टायर होने ही हैं। इसमें आपको 8-18 के टायर देखने को मिलेंगे आगे वाले फोर व्हील ड्राइव में। और जो आपका ये टू व्हील ड्राइव है, इसके अंदर आपको जो है, मैं आपको अभी टायर साइज दिखा देता हूँ कितना है। इसके अंदर आपको 6-16 के टायर देखने के लिए मिलेंगे आगे वाले। हेडलाइट दोनों ट्रैक्टर की सेम है, बैटरी भी दोनों ट्रैक्टर में आगे ही दे रखी है। मैं आपको एक बार इनका बोनेट जो है खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ से जो है इनका बोनेट जो है, चाबी ऐसे घुमाओ और ऐसे ऊपर को कर दो, सिंगल बोनेट ओपन है। अभी इस वाले का भी कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे दोनों ही ट्रैक्टर में बिल्कुल इंजन एकदम सेम है, आपको हर चीज़ जो है वो सेम देखने के लिए मिलेगी। आगे दोनों ट्रैक्टर में एक साइड की बैटरी रखी हुई है, यहीं पर इनका ये ड्राई क्लीनर एयर फिल्टर है दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर। और पीछे जो है इसमें आपको ये यहाँ पे जॉन डियर में खास चीज़ है, ये मेन है इसकी साइलेंसर की, ये ढोलकी अंदर दी हुई है। अगर आप साइलेंसर उतार भी दोगे तो ट्रैक्टर की आवाज़ पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने का, क्योंकि इससे जो है आवाज़ जो है आपकी इस ढोलकी से बनती है। अगर आप ये उतार दोगे उसके बाद आपके ट्रैक्टर की आवाज़ पर जो है फ़र्क पड़ेगा। अभी इन दोनों ट्रैक्टर का जो है बोनेट कर देते हैं बंद और देखते हैं इनके फीचर्स में और क्या क्या अंतर है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं, दोनों ही ट्रैक्टर आपको जो है ऊंचे पायदान वाले ये देखने के लिए मिल जाएंगे। पर जो आपका ये 5105 टू व्हील ड्राइव है, ये आपको सिंगल क्लच में मिलता है। आप देख लो, इसमें कोई भी यहाँ पे ड्यूल क्लच नहीं दे रखा। पर जैसे कि आपका फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है उसके अंदर आपको ड्यूल क्लच मिल जाता है। पर जॉन डियर अपने ट्रैक्टर का जो ड्यूल क्लच है वो हाथ में देती है, ये PTO क्लच जो है पैर वाला नहीं देती। इनका PTO क्लच ये वाला होता है। तो इसमें आपको फोर व्हील ड्राइव में PTO क्लच अलग से देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको मल्टी PTO मिलती है फोर व्हील ड्राइव के अंदर। टू व्हील ड्राइव के अंदर आपको मल्टी PTO नहीं मिलती। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ टू व्हील ड्राइव के पास आकर, इसमें आपको मल्टी PTO नहीं मिलती, नॉर्मल PTO मिलती है। बाकी ABC गियर और जो इसका फोर बाय जो बाकी 4 फॉरवर्ड गियर हैं वो दोनों ट्रैक्टरों में बराबर दे रखे हैं। मैं आपको इन दोनों का जो PTO HP का जो स्टिकर ट्रैक्टर के ऊपर लगा आता है वो दिखा देता हूँ। ये आपका टू व्हील ड्राइव वाला है, इसके ऊपर आप देख रहे होंगे 35 HP जो है इसकी PTO पावर है। और 4x4 वाले की देखें तो इसकी भी आपको जो है 35 HP ही PTO पावर देखने के लिए मिलेगी। तो PTO पावर में कोई भी बदलाव नहीं है। जो मुझे मेजर से जो बदलाव लगे हैं वो है इनका ड्यूल क्लच का और इसमें मल्टी स्पीड PTO और 4x4, ये चीज़ें मुझे फोर व्हील ड्राइव में एक्स्ट्रा लगी हैं। लिफ्ट कैपेसिटी भी दोनों ट्रैक्टरों में बराबर है। अगर लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो 1600 किलो इन दोनों ट्रैक्टर की लिफ्ट की कैपेसिटी है। तो इन ट्रैक्टर में आपको जो है प्रेशर पंप देखने के लिए नहीं मिलता, इसमें कंपनी ने हाइड्रोलिक पंप दे रखा है दोनों ही ट्रैक्टर में। ये तो टू व्हील ड्राइव का हाइड्रोलिक पंप है और ऐसे ही सेम आपको हाइड्रोलिक पंप जो है फोर व्हील ड्राइव का देखने के लिए मिलेगा। डीजल टैंक की कैपेसिटी भी दोनों ट्रैक्टर की बराबर है। बाकी जो आपको लाइट्स वगैरह सब कुछ सेम देखने के लिए मिलेगी, बस जो फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर होता है उसकी लुक और ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। दोनों ही ट्रैक्टर में आपको ऑयल ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे और सब कुछ आपको हैंड ब्रेक वगैरह सेम देखने के लिए मिलेगी। पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई सिर्फ इनमें वही डिफरेंस है। सिंगल एक्टिंग रोड ही आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है दोनों ट्रैक्टर में। इसमें भी आपको सिंगल एक्टिंग रोड पावर स्टीयरिंग मिलता है और आपको टू व्हील ड्राइव में भी आपको
सिंगल एक्टिंग रोड पावर स्टीयरिंग देखने के लिए मिलता है, ना आपको कोई एलईडी लाइट मिलती है कोई से भी ट्रैक्टर में। तो ये अंतर था इन दोनों ट्रैक्टर में, फोर व्हील ड्राइव में और टू व्हील ड्राइव में। और अगर हम इन ट्रैक्टर की कीमत की बात करें तो फोर व्हील ड्राइव आपका 7.25 लाख रुपए का है और टू व्हील ड्राइव आपका 6.25 लाख रुपए का है। इस कीमत को आप फिक्स मत समझना, अपने नज़दीकी डीलर पर पता कर लेना, क्योंकि सभी राज्यों में कीमत अलग अलग रहती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।